उत्तराखंड में सल्ट उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी महेश सिंह जीना और कांग्रेस की गंगा पांचोली ने आज अपना नामांकन पत्र भर दिया है। आपको बता दें कि दोनों प्रत्याशियों ने भिकियासैंण में उप निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान तहसील भिकियासैंण में पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। दरअसल भाजपा प्रत्याशी महेश जीना के नामांकन में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, सांसद अजय भट्ट और अजय टमटा, कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, बिशन सिंह चुफाल, अजय कुमार, संगठन महामंत्री सहित भाजपा के दिग्गज नेता शामिल हुए। के कार्यों के ऊपर है और उनके द्वारा जितना कार्य हुआ है उतना तो किसी भी विधानसभा में नहीं हुआ। और पिछले 10 सालों में जो कार्य सुरेंद्र जीना जी ने अपने सल्ट विधानसभा में अपने परिवार के रूप में रह के काम किया है, वह उन्हीं कार्यों के अनुसार हम लोग चलने का प्रयत्न करेंगे और सल्ट विधानसभा को नंबर 1 पर पहुंचाने का हमारा प्रयत्न है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा, विधायक करण मेहरा, हरीश धामी सहित अनेक कांग्रेसी वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दे रहेंगे, हाँ, जिससे हम लोग यहाँ पर 15 साल से बहुत परेशान हैं, जिन पर बिल्कुल काम नहीं हो पाया। हमारी खेती आज चौपट हो गई है, जो हमारी इनकम के साधन थे, और विद्यालय में हमारे टीचर नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा से हम बेहाल हैं, और पलायन हर गांव में 50% से ज़्यादा पलायन हो चुका है, और रोजगार के संसाधन बिल्कुल भी वर्तमान सरकार उपलब्ध नहीं करा पाई, और ये सरकार हर मामले में फेल है, यही हमारे मुद्दे रहे। मैम, इस चुनाव को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? जैसे आपके सामने का जो विपक्षी पार्टी काफ़ी मजबूत पार्टी है, तो आप क्या लेकर चलेंगे? सर, मैं तो 100% आश्वस्त हूँ, क्योंकि विपक्षी पार्टी के पास पैसा हो सकता है लेकिन लोग नहीं हो सकते, और मैं 4 साल से लोगों के बीच में हूँ, मेरे साथ मेरी क्षेत्र की जनता है, मतदाता है, इसलिए मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। आपको बता दें कि सल्ट सीट भाजपा के ही खाते में थी और यहाँ से सुरेंद्र सिंह जीना विधायक थे। बीते दिनों बीमारी के चलते उनके निधन के बाद से ये सीट खाली चल रही है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही होली के दिन सोमवार को प्रत्याशियों की घोषणा की। महेश जीना दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के भाई हैं, जबकि कांग्रेस की गंगा पंचोली पूर्व में भी यहां से अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रीति की रिपोर्ट।